याद रखिएगा, किस्मत का मतलब वो है कि आप अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद ना बदल सके। जो भी चीज आप नहीं बदल सकते वो किस्मत के खाते चली जाती है। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे है कि बदल क्या कुछ सकते हैं? कभी लिस्ट बनाइएगा, जो नहीं बदल सकते वो लिस्ट थोड़ी है, जो बदल सकते हैं वो लिस्ट लंबी है। हमारे मुसलमानों का नहीं, इंडो पाक का मसला ये है, क्योंकि मैथोलॉजीज बहुत ज्यादा थी, यहां इंडियन कल्चर था, यहां जो फ्यूडल सिस्टम था, जो पंडित था, उसका निजाम नहीं चलता था जब तक आपको अंदर से गरीब ना रखा जाए। उसने किस्मत के कंसेप्ट इतने सॉलिड डाल दिए, इस्लाम में नहीं ऐसे। ये इंडियन आपके कंसेप्ट है सारे, मनूस है, इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं मनूस का, तसव्वुर मनूस इन इस्लाम है कोई? हर खानदान में एक मनूस होती है, होता है। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं आप? मैं रियलिटी बता रहा हूं। ये हमने किस्मत के कंसेप्ट लिए हैं माइथोलॉजी से, हमने इतना हमारे अंदर वो रेतल में घुस चुके हैं, हमारी सोचों में इतना पेनिट्रेट कर चुके हैं, उतना ईमान नहीं है जितना मैथोलॉजी पे, मिथ्स पे यकीन है। और होता क्या है, इस चक्कर में हम खुद को डेवलप नहीं करते। आज की असाइनमेंट आपकी, ये मैंने की है अपने स्टूडेंट लाइफ में, अपने उस्ताद के कहने की वजह से, लिस्ट बनाओ क्या कुछ बदल सकते हो। 150-200 चीजें बदलेंगी, बन जाएंगी। सोच, अकायद, आदतें, नजरियात, इल्म, मैनर्स, जो आप बदल सकते हैं। यार आप एक चीज पकड़ ले, आदतें बदल दें। वो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे इंडिया का, जो उनसे वो कहा करता था, दुनिया का कोई बंदा अपने मुस्तकबिल को नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकता है, और जो अपनी आदतों को बदलता है, कुदरत उसका मुस्तकबिल बदल देती है। वाला हम अपनी आदतों को बदलते कोई नहीं है, वही पुरानी आदतें चल रही होती हैं, और फिर हम सारी जिंदगी गुजार के कहते हैं जी किस्मत ही अंज सी। मैंने बड़े लोगों को देखा, मेरे नाल ही अंज हो रहा है, मैं ही पैड़ा, मैं ही मनूस हूं। मैं आपको बताऊं लक का बिलीव क्या है, मैं अपना जाति भी, आई एम लकी, मैं अपने साथ हमेशा बात करते हुए, मैं दुनिया के उस वक्त में पैदा हूं जो मेरे पास, अकबर बादशाह के पास चीजें नहीं थी। दसो है सी टच मोबाइल यार, फैसला बहुत, मैं 1.5 घंटे में पहुंच गया हूं, वो मेरी रेस लगा के देख ले अकबर बादशाह घोड़े पे, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। ये टेक्नोलॉजी मैं बोल रहा हूँ, सारे सुन रहे हैं, मैं इसके बगैर नहीं थे किस जमाने में, नोट किया आपने, इस कमरे में इन्वेंट हुई चीजें देखे, 200 चीजें आपको अल्लाह ने दी है इस दौर में, आप इनको इस्तेमाल करके कहां पहुंच सकते हैं, उस दौर में नहीं थी। खाना कैसे कुक होता है, हाइजीन कैसे है, और फ्रिज में रखा जा सकता है, एग्री कहां पहुंच गई, चीजें कैसे हैं, हक कैसे मिल जाता है, हुज़ूर वाला कलम सर हो जाते थे, पता ही नहीं लगता था। तो जो तलाश बनाए जिंदगी में, मेंटोर्स ऐड करें, उस्ताद ऐड करें, फिर आप किसी दिन ट्विटर करेंगे, पुकारेंगे कि निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर। जिस दिन आप ये कहते हैं ना, उस दिन समझ लीजिएगा आप खुश नसीब इंसान बन जाते हैं, किस्मत हाथ में आ जाती है। आप कहते मालिक मरना है और तेरी रजा है जब मारना है, पैदा मैं अपनी मर्जी से नहीं हूं, जो कुछ मैं नहीं बदल सकता मेरी टेंशन ही नहीं। मैंने उस्ताद से अपने सीखा, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर से, वो फरमाया करते हैं बेटा रिस्क की टेंशन ही नहीं, खुद कह रहा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, काले पहाड़ के नीचे काले पत्थर, काले कीड़े, कदमों की चाप सुनने वाला रब उसे रिस्क दे रहा है। रिस्क की टेंशन नहीं है, टेंशन उस चीज की लो जो तुम पे पड़ती है। मसलन मैं अपनी जिम्मेदारियां कबूल ना करूं और जो मेरी जिम्मेदारियां नहीं है उसकी मैं टेंशन लेता रहूं। तो लिस्ट आज ही बनाइए जो आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और इफेक्टिव एरिया है, उसके बाद आपकी जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी। एनी क्वेश्चन प्लीज।